ऑप्शंस के अंदर पैसा बनाना आसान है दोस्तों, अगर ईमानदारी से कहूँ ना बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि ऑप्शंस बाइंग के अंदर प्रीमियम होता है, खासकर अगर हम ऑप्शंस बाइंग की बात करें। ऑप्शन सेलिंग में तो फिर भी थोड़ा एडवांटेज है, एक एज मिलता है, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि एक प्रीमियम होता है और आप उस प्रीमियम को दे करके ऑप्शंस को बाय करते हो। और वो जो प्रीमियम है हवा में, एक उसकी होती है टाइम वैल्यू, एक होती है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू। तो टाइम वैल्यू बिल्कुल उसकी हवा में है, आपको उसको भी कमाना है और उसके बाद जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तब आपको पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक टैक्सी ड्राइवर भाड़े की टैक्सी लेकर के चला रहा है, अब उसको डेली का रेंट भी देना है उस टैक्सी का, और उसके बाद जो वो कमाएगा वो उसका अपना है। ठीक इसी तरीके से ऑप्शंस के अंदर पहले आपको प्रीमियम कमाना है, प्रीमियम के बाद जो आएगा वो आपका अपना पैसा है। तो इसी तरह से ऑप्शंस बाइंग करके पैसे कमाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क बन जाता है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में कोशिश करिए कि हम आपको ऑप्शंस बाइंग का तरीका बता दें कि किस तरीके से हम ऑप्शंस बाइंग की तरफ जा सकते हैं और किस तरीके से हमें कैप्चर करना चाहिए ट्रेड को। हालांकि कुछ परसेंटेज है लोगों की जो ऑप्शंस बाइंग के अंदर अच्छा पैसा कमाती है, ऑप्शंस बाइंग के डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है, क्योंकि इसके अंदर लॉस जो है वो लिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। और मैंने ऐसे ऑप्शंस देखे हैं जो 10 मिनट के अंदर डबल हुए, आधे घंटे के अंदर 3 गुना हुए, 1 घंटे के अंदर 5 गुना हुए, और आपने भी देखे होंगे। यही चीज़ लालच क्रिएट करती है और हमें अट्रैक्ट करती है कि हम ऑप्शंस बाइंग की तरफ जाएं। लेकिन किसी भी चीज़ को करने का एक सही तरीका होता है, वो सही तरीके तक पहुंचना ज़रूरी है, अदरवाइज शेयर बाजार में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है, और ज़्यादातर लोग पैसा गंवा ही देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कोशिश करेंगे ऑप्शंस बाइंग किस तरीके से कैप्चर करना चाहिए वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका बैक टेस्ट आपको पहले ही दिखा देता हूँ। 3 नहीं 6 नहीं 9 नहीं पूरे 12 महीनों का बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ। इन 12 महीनों का बैक टेस्ट देख के डिसाइड करिएगा कि वीडियो कंप्लीट देखना है या नहीं देखना। अगर वीडियो कंप्लीट देखना है तो इस बैक टेस्ट से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिल सकती है। आपको अगर वीडियो देखना है कंप्लीट तो ये मोटिवेशन लाने के लिए मैं पहले बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बैक टेस्ट आपको निराश नहीं करेगा, वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे, हर चीज़ बारीकी से समझेंगे ताकि आप ऑप्शंस के अंदर पैसा बनाने के करीब पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बैक टेस्ट की तरफ और इसको समझते हैं बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में। तो पीछे दोस्तों जो आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है ये है स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म। इसके अंदर हमने स्ट्रेटजी बना के रखी ऑप्शन की। स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, क्या स्ट्रेटजी है, वीडियो में बताएंगे आपको। सबसे पहले बैक टेस्ट देख लीजिए। बैक टेस्ट देखने के लिए देखिए क्या करना है। ये मैंने पूरी स्ट्रेटजी बैक टेस्ट में लेकर आया हूँ। मैं 4 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर रखे हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स किस हिसाब से रखे हैं वो भी वीडियो के अंदर बताएंगे। यहाँ पर डेट देख लीजिए 3 महीने का, ये 28 मई 2023 से, अगर 3 महीने बैक कर दें हम तो 28 फरवरी 2023 से और 28 मई 2023 तक का डाटा है। इंट्राडे का सारा है और इसमें हम एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो रन बैक टेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो में ही समझाऊंगा, सारी चीज़ें बारीकी से समझाएंगे, कोई भी चीज़ आपको हाइड नहीं रखी जाएगी इसके अंदर, ये मेरा वादा इस वीडियो के अंदर। तो बैक टेस्ट देखिए समझ में आएगा। तो एक का रिजल्ट आ गया है, इसमें 10 ट्रेड लॉस में थे, 10 विन में थे। 53,000 रुपीज़ हम कमा पाए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके अंदर गया कितना, इस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए सिर्फ आपका 500 रुपये गया, यहाँ 50,000 रुपये कमाया, यहाँ 500 रुपये गया। ऊपर वाला देखते हैं कितना देखे गया, ये भी लगभग 50,000 रुपये देखे गया। फोर्थ वाले का बैक टेस्ट चल रहा है, देखते कि ये कितना पैसा दे करके जाता है या नुकसान करके जाता है। ये 4 कॉन्ट्रैक्ट्स लगा रखे, ये भी अप्रोक्स 50,000 के आसपास। तो कुल मिलाकर नीचे देखेंगे तो 1.5 लाख रुपया हो गया इन ऑप्शंस पे पैसा लगा करके बना सकते थे हम। 76% है, 3 महीने का यहाँ पर बैकटेस्ट चल रहा है और इंट्राडे का है, कोई भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 महीना बैक करते हैं, 1 2 3। अब यहाँ से हम लगाते हैं, यहाँ से नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से आएगा 1 2 एंड 3। 1 नवंबर 2022 से 29 जनवरी 2023 तक का बैकटेस्ट देखते हैं। 3 महीने का आप ऑलरेडी देख चुके हो, अब बैक 3 महीने का देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट सामने आ गए हैं। यहाँ देखिए 10,000 का लॉस हुआ, यहाँ 3,000 का प्रॉफिट, यहाँ 40,000 का प्रॉफिट, यहाँ 5,000 का नुकसान गया। लॉसेस कम है, प्रॉफिट जाता है। अब भी हम 28,000 रुपये कमा के निकले, 11% का रिटर्न है,
3 महीने का यहाँ पर जो है रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, और 3 महीने बैक करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए अगस्त, 1 अगस्त से लेके 29 अक्टूबर 2022, और 3 महीने का ऑप्शंस बाइंग, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ गया है दोस्तों, 1 अगस्त से अक्टूबर वाला यहाँ 32,000 बने, यहाँ 34,000 बने, इस कॉन्ट्रैक्ट ने लगभग 6,000 का नुकसान दिया, यहाँ 13,000 बने, टोटल 73,000 हम इस 3 महीने यानी एक क्वार्टर के अंदर कमा पाए। और 3 महीने का बैक करते हैं, पूरा 1 साल का हो जाएगा, 9 महीने का मैंने आपको डाटा दिखा दिया है। तो यहाँ पर अब और 3 महीने बैक करते हैं, 1, 2 एंड 3, 1 मई से लेकर के 29 जुलाई, उसको रन एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट आ गया है लास्ट वाले जो क्वार्टर है हमारा उसका भी। तो यहाँ 13,000 का नुकसान, यहाँ 9,500 का प्रॉफिट, यहाँ लगभग 4,500 रुपये का नुकसान, और यहाँ 14,000 का प्रॉफिट। ऑल ओवर अगर हम देखें तो 6,300 कुछ बने, हालांकि इसमें ब्रोकरेजेस वगैरह भी कटेगा, तो ये भी प्रॉफिट मत मानो, या आप मानो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल गए। तो इन सभी रिजल्ट से एक बात तो हमें साबित होती है कि ऑप्शंस बाइंग में भी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन सही टेक्निक, सही अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। अब किस तरीके से ये हुआ इसको जरा समझ लेते हैं। अब इस स्ट्रेटजी में, इस जो भी हमने यहाँ पर करा है, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने क्या करा है, मल्टी स्ट्राइक की अप्रोच ले ली है। देखिए क्या होता है, ऑप्शंस चैन जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से पता है, जो लोग नहीं भी जानते वीडियो देख लीजिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, सिंपल भाषा में दोस्तों समझाते हैं, हम कभी भी मुश्किल करते ही नहीं काम को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, किस तरीके से जरा समझिएगा। मान लेते हैं निफ्टी चल रहा है 18,500 का, ठीक है, निफ्टी चल रहा है 18,500 का, तो हमने ऑप्शन चैन के अंदर 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, ठीक है, मल्टी स्ट्राइक कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी मल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स आप कह सकते हैं कि मल्टी स्ट्राइक हमने चूज कर लिए ट्रेड करने के लिए। तो हमने क्या करा, 18,500 का निफ्टी चल रहा है, हमने एक सिग्नल पिक करा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें एक 18,500 का कॉल बाय करना है, ठीक है, 18,500 का कॉल हमने बाय कर लिया। कॉल तब बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है, 18,500 का कॉल बाय कर लिया। अब यहाँ पर हमने करा, ये तो एट द मनी है, ठीक है ना, ये तो ATM पर हो गया ना एट द मनी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर जाके भी एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे, हम क्या करेंगे 18,600 का कॉल भी बाय कर लेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे 18,700 का कॉल भी बाय कर सकते हैं, और हमने क्या करा 18,800 का भी कॉल बाय कर लिया। यानी एट द मनी से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हम आउट ऑफ द मनी चले गए हैं, तब जाकर के हमने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लिए, ये समझ रहे हैं आप। इस तरीके से हमने यहाँ काम करा है, हमने 1 कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट और 4 कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हमने बाय कर लिए। अब इससे होगा क्या, कुछ आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे, कुछ हाई प्रॉफिट देंगे, कुछ आपको लो प्रॉफिट देंगे, कुछ आपको हो सकता है कम प्रॉफिट दे, कुछ हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे, तो ये आपस में कुल मिलाकर के आपको एक बेटर रिजल्ट देने की एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है। दूसरा होता क्या है, जो मल्टी स्ट्राइक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तेजी से भागेंगे। देखिए आउट ऑफ द मनी वाले क्या होता है, परसेंटेज उनकी ना एकदम ज़्यादा भागती है, तो जो आपने टारगेट्स डिसाइड करे हैं वो टारगेट्स हो सकता है जल्दी अचीव कर जाए, लेकिन स्टॉप लॉस भी जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो एक कुल मिलाकर में आपस में कॉम्बिनेशन मिलाकर के काम कर लेते हैं, जिसमें हमें कुछ बेटर रिजल्ट पाने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। दूसरा यहाँ पर हमने क्या करा है, जो हमने स्ट्रेटजी लगाई है वो इंडेक्स पे नहीं लगाई है। यहाँ पर ध्यान रखिए, हमने निफ्टी 50 का चार्ट पिक नहीं करा है, हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 के चार्ट के सिग्नल्स को पिक नहीं कर रहे हैं, हमने पिक करा इन कॉन्ट्रैक्ट्स के चार्ट को। इन सबका चार्ट अलग अलग चलेगा, ध्यान रखिए। देखिए अगर मार्केट ऊपर जा रही है बढ़ेंगे सारे, कुछ कम बढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन इनके चार्ट्स जो है वो सिग्नल्स अलग अलग जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनमें RSI लगाया है तो किसी का RSI हो सकता है 50 हो, किसी का हो सकता है 60 हो, किसी का हो सकता है 40 हो। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स पहले बुलिश होगा, जो हमने कंडीशंस लगाई, वो सबसे पहले ट्रेंड में आ जाएगा, हम उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे। अगर उसका टारगेट हिट हो गया तो ऑब्वियसली नीचे वाले भी कहीं ना कहीं लाइन में होंगे। तो जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर सिग्नल्स पिक हो रहे होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड लिए जाएंगे, बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स अदरवाइज एक साइड रह जाएंगे। तो बात समझ रहे हैं, हमने 4 कॉन्ट्रैक्ट्स चूज कर लिए, अब इनका चार्ट्स देख करके हम ट्रेड ले रहे हैं। अब इनका चार्ट्स लेकर के अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो जो सिग्नल्स जो चार्ट देगा उस पर ट्रेड ले लिया जाएगा, अगर इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट वो सिग्नल नहीं दे रहा है तो हम उस पर ट्रेड नहीं लेंगे।
तो इसको हम कहते हैं मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग या मल्टी ऑप्शन स्ट्राइक ट्रेडिंग आप कह सकते हो उसको। तो इस तरीके से हमने इस स्ट्रेटजी को डिजाइन करा है। अब इसके अंदर हमने क्या स्ट्रेटजी पिक करी है, भाई कब बाय करोगे कब सेल करोगे वो आपने क्या करा है, अब उसको जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से हमने इसमें काम करा है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक इंडिकेटर का यूज करा है, इंडिकेटर का नाम है बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड में क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी 50 है, टाइम फ्रेम आप रख सकते हैं 15 मिनट का, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है स्ट्रेटजी के अंदर। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बोलिंजर बैंड का इस्तेमाल करा है। देखिए ऑप्शंस बाइंग के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंग तभी करनी है जब मार्केट तेजी से भागने वाला हो, तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा हो, आपको एक अंदाजा लग रहा हो मार्केट यहाँ से तेजी से भागेगा, तेजी से अगर ऊपर भागेगा तो कॉल साइड जाएंगे, तेजी से नीचे भागेगा तो पुट साइड जाएंगे, लेकिन तेजी होनी चाहिए। तो उन तेजी को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलिंजर बैंड उनमें से एक बेहतरीन इंडिकेटर है। किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं उसको समझिएगा। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ FX में और यहाँ पर मैं बोलिंजर बैंड्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बोलिंजर बैंड्स में 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, अब इन 3 लाइंस से इस्तेमाल कैसे करना है उसको समझाऊंगा। सबसे पहले इनकी सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में ये जो लाइंस है इनको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे और आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये है अपर बैंड, ये है लोअर बैंड और ये है बीच की लाइन, ठीक है। अब यहां पर आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को अपनी औकात से बाहर निकलना पड़ेगा, औकात समझ रहे। देखिए बोलिंजर बैंड क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को चूज करता है, एक मिड लाइन है, मिड लाइन से ऊपर एक स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेगा, एक नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेगा, जिसमें मार्केट की वोलेटिलिटी को वो कैप्चर कर लेता है। अगर मार्केट अपनी वोलेटिलिटी को तोड़ के बाहर निकल रहा है तो यानी क्या कर रहा है, औकात से बाहर जा रहा है, तो वो औकात से बाहर जाने वाली चीज हमें कैप्चर करनी है। यानी मार्केट ने जब क्लोजिंग दी अपर बैंड के ऊपर, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी अपर बैंड के ऊपर, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये 26 तारीख को 30 मिनट के अंदर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है, जी मैं अपनी औकात से बाहर जा रहा हूँ आज, और मार्केट देखो कहाँ चला गया, कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, कहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी, 18,380 से स्टार्ट हुई थी, मार्केट पहुंच गया 18,500 पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया है, कोई मार्केट में कोई करेक्शन भी खास नहीं थी। ये दोस्तों है औकात से बाहर जाना। तो यही चीज हम कैप्चर कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी में, सिर्फ बाइंग की हमने स्ट्रेटजी लगाई है। यहाँ देखिए इसने क्रॉसिस अबव करा, अगले 2 कैंडल्स कहाँ गए, ऊपर गए स्ट्रांगली, ठीक इसी तरीके से आपको वेरियस ऐसे मिलेंगे। ये देखिए ऊपर गया, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं गया ऊपर, लेकिन नीचे भी तो नहीं गया, नुकसान भी तो नहीं होता। तो ये चीज हमें कैप्चर करनी है। ये देखिए क्लोजिंग दी इसके ऊपर, मार्केट देखिए किस तेजी से ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से बोलिंजर बैंड का यूज करके दोस्तों हम स्ट्रेंथ को कैप्चर कर लेते हैं। आपको कितने सारे मैंने एग्जांपल्स दिखाए, सिर्फ बुलिश साइड के एग्जांपल्स पे कंसीडर करिए, क्यों, क्योंकि मैंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई सिर्फ बुलिश साइड पे कंसीडर करा। ये देखिए क्लोसेस अबव गया, अपनी औकात से बाहर निकला, एंटायर डे मार्केट बहुत स्ट्रांगली ऊपर था। ऐसे आप स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज ट्रेड कर सकते हैं। अब इससे क्या है, हमें स्ट्रेंथ पता लग गई। अब ये जो स्ट्रेंथ है ये हम ऑप्शंस के चार्ट पे देख रहे हैं। देखिए ये है निफ्टी 50 का चार्ट, ठीक इसी तरीके से आपको ऑप्शंस के चार्ट मिल जाएंगे। जैसे कि मैं लगाता हूँ 18,500, ठीक है। अब 18,500 पर ये देखिए एक कॉल आपको दिख रही है निफ्टी की, मैं इसको लगा लेता हूँ। अब देखिए ये इसका चार्ट है, ये 88 रुपीज का चल रहा है। अभी देखिए किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं 18,800 का लगाऊं, 18,800 की कॉल लगाऊं, तो उसका चार्ट भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल एज इट इज वैसा नहीं दिखाई दे रहा। तो ये देखिए 6 रुपए का चल रहा है, बात समझ रहे आप। तो यही दोस्तों रीजन है जिसमें हमने मल्टी स्ट्राइक चूज करी है। कुछ आपको इसमें प्रॉफिट दे जाएंगे, कुछ आपको लॉस दे जाएंगे, कॉम्बिनेशन मिला करके आपको एक बेटर रिजल्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसी तरीके से मल्टी स्ट्राइक हमने चूज कर लिया है। अब कैसे स्ट्रेटजी बनी है ऑल ओवर वो मैं आपको समझाता हूँ, स्ट्रीक के ऊपर समझेंगे, बहुत क्लैरिटी से आपको मजा आएगा कि किस तरीके से हमने काम करा है। दोस्तों वापस आ गए स्ट्रीक की प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आप सेमी एल्गो ट्रेडिंग के बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रेटजी बना सकते हो, स्कैनर बना सकते हो, टेक्निकल यूज कर सकते हो, इनको लाइव कर सकते हो, लाइव नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएगा, बहुत वेरियस टाइप का काम आप इसमें कर सकते हो। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अब अपनी स्ट्रेटजी को। मैं गया स्ट्रेटजी पे, स्ट्रेटजी के बाद गया मैं बोलिंजर ऑप्शंस बाइंग पर, मैंने एडिट स्ट्रेटजी करा।
अब यहाँ पर देखिए चार मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ चूज कर लिए, यहाँ पर देखिए यह है तीसरे नंबर का जो है, थर्ड नंबर का हमने लिया है, ये है सेकंड नंबर, ये देखिए ये सेकंड नंबर, ये फर्स्ट और ये एट द मनी, ठीक है ना। चार कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताए थे वैसे हमने चूज कर लिए। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर बाय करा, निफ्टी 50 हमने लिया हुआ है, टाइम फ्रेम हमने लिया 15 मिनट का, क्वांटिटी यहाँ वहाँ आपको दिख रही है, बाकी उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो मैं समझाऊंगा क्यों नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री कंडीशन हमने क्या लगाई है, अब एंट्री कंडीशन पे आपको ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन है। हमने यहाँ पर बोला है जी क्लोज क्रोसिस अबोव, जो क्लोज प्राइस है वो क्रोसिस अबोव करेगा UBB, यानी अपर बॉलिंजर बैंड। UBB का मतलब होता है अपर बॉलिंजर बैंड, ऊपर वाला बॉलिंजर बैंड के ऊपर जैसे क्लोज निकलेगा, औकात से बाहर निकल रहा है, स्ट्रेंथ आ सकती है, वहां पर हम ट्रेड लेंगे। बस सिंपल सी चीज हमने करी है, स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं बता रहा हूँ एक लिंक दूंगा आपको, वहां पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप स्ट्रीक पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्जिट कंडीशन क्या है, एग्जिट कंडीशन बड़ी सिंपल है, स्टॉप लॉस रखा है 20 का, टारगेट रखा है 50, यहां पर ध्यान दीजिए 20% का स्टॉप लॉस रखा है, 50% का टारगेट प्रॉफिट रखा है, साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है मैंने 10 का। जैसे ही मार्केट 10% ऊपर जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका स्टॉप लॉस वो खींच देगा नीचे से, तो लॉसेस आपको कम होंगे। अगर 20% मार्केट ऊपर चला गया तो अब आपको लॉस नहीं होने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट पे, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे, या प्रॉफिट तो आपको जो 50% दिया है वो आपको मिल सकता है, राइट। साथ में देखिए यहाँ पर एक कंडीशन और लगा दी है कि जो क्लोज है वो क्रोसिस ब्लो करेगा जो मिडिल बोलिंजर बैंड, देखिए बोलिंजर बैंड की तीन लाइन थी, ठीक है, हमने कहा इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो इस बीच वाली लाइन के नीचे भी आ रहा है तो भी हम एग्जिट कर देंगे, यानी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं हमें लगेगा वीक हो रही है। तो ये हमने यहाँ पर एक एग्जिट तो ये डाल दिया, दूसरे हमने एग्जिट डाल दिए ये वाले 20% वाले, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया, राइट, बस ये काम हमने करा। उसके बाद देखिए नीचे आइए स्ट्रीक में, हमने यहाँ पर देखिए MIS रखा है, यानी इंट्राडे का है। साथ में देखिए मैंने एक काम और करा, इसमें मैक्स SL पर ट्रेड, यानी 10,000 रुपये से ऊपर का आपको SL नहीं लेना है एक ट्रेड में, ये मैंने डिसाइड करा है। आप कैसे डिसाइड करोगे इसको, आप करोगे 1% रूल से, अगर 1,00,000 की कैपिटल है तो यहाँ पर 1,000 रुपये रखिएगा, 1,000 रुपये से ऊपर आपको एक ट्रेड में नुकसान नहीं होना चाहिए, तो 1% का रूल लेकर के आप करिएगा, वो उस हिसाब से लॉट साइज लेगा आपके, ठीक है ना, आपके बेमतलब के लॉट साइज नहीं लेगा, तो उस हिसाब से आप अपने लॉट्स को कम कर लीजिए, रिस्क को मैनेज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी का नाम डालिए, सेव एंड बैकटेस्ट करिए, बैकटेस्ट के रिजल्ट्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका था, वापस आपको अभी रिजल्ट दिखा देगा, जो लास्ट हमने करा था बैकटेस्ट उस हिसाब से रिजल्ट दिखा देगा। अब यहाँ पर जाकर के हमारा काम पूरा हो जाता है, अब स्ट्रीक में आप ये स्ट्रेटजी लगा करके लाइव कर सकते हैं, आपको लाइव नोटिफिकेशन आएंगे जिसका यूज करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। लाइव आपको कैसे करना होता है एक बार बैक टेस्ट आ जाए फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप लाइव करेंगे। अब ये दोस्तों रिजल्ट आ गए, अब आपको ये स्ट्रेटजी लाइव करनी है तो कैसे करेंगे, डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सारा चेक कर लीजिएगा, एक्सेप्ट लाइव ट्रेड पे आप क्लिक करेंगे, अभी आपकी स्ट्रेटजी लाइव हो गई है। अब जब भी आपके पास ये कंडीशन मैच होगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, बस ये दोस्तों काम आपका रह जाता है। तो ये देखिए ये स्ट्रेटजी आपकी लाइव हो गई है, राइट। अब ये स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो कैसे मिलेगी, तो मैं एक लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक करेंगे स्ट्रेटजी को डायरेक्ट जाकर के आप कॉपी कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, स्ट्रिक को ऑलरेडी लॉग इन करके रखिएगा। दूसरी बात, ये स्ट्रेटजी आप क्या अभी लगा करके लाइव करेंगे, पैसा लगाएंगे लाइव पैसा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहिए। आप ऑब्जर्व करिए चीज़ों को, ऑब्जर्व करके जब आपको लगे कि रियलिटी में चीज़ें काम कर रही है तो थोड़ा पैसा लगाकर आपको एंटर करना चाहिए। अगर वो पैसा धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लॉसेस आपको ज़्यादा नहीं हो रहे, फिर धीरे धीरे आपको अपना ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखें अपने पैसों को बचा के रखें, कोई ट्रेड आपका गलत होता है तो 1% से ज़्यादा आपकी एंटायर कैपिटल का नहीं जाना चाहिए, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। सर्वाइवल बड़ा ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर, अदरवाइज पैसा जीरो हो जाता है, बार बार जीरो हो जाता है और कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ गालियां ही दे सकते हो स्टॉक मार्केट को और कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शंस बाइंग में, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ आप स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए कर सकते हो जो मैंने बॉलिंजर्स की बताई है, और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, सिर्फ आपको एक फोकस जरूर करना होता है। जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।